हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में सजल जैन जी बैठे हैं जिन्होंने अपना नवंबर 2022 में एग्जाम क्लियर किया। अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सबसे खुशी की बात तो ये है कि SFM में इनको सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। आप देख सकते हैं ग्रुप वन में भी काफी हेल्प किया है SFM ओवरऑल ग्रुप क्लियर करने में। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप एक सब्जेक्ट में भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते तो आप CA बन जाते हैं। प्लस इतना ही नहीं, इनका एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब प्लेसमेंट भी हो चुका है, JP थर्मल पावर प्लांट में विद अ वेरी वेरी गुड पैकेज। ये बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, फाइनेंस में इनका स्पेशल रुचि है, फाइनेंस को ही इन्होंने अपना करियर गोल बना के रखा है। इनको जो प्रोफाइल मिला है वो असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर मिला है। हैदराबाद से इन्होंने मेरी क्लासेस ली है और क्लासेस बहुत ही अच्छे से इन्होंने पढ़ा। रेदर इनके जितने भी बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको सबको अच्छे मार्क्स मिले, एग्जेम्पशन हुआ है। और इनके फ्रेंड्स भी जिनको जिनको इन्होंने भी थोड़ा सा गाइड किया SFM के लिए, उनको भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ सजल जी के लिए कि इन्होंने एकदम सारा कुछ गाइडेंस फॉलो किया। जैसा मैंने बताया, स्टॉक मार्केट में स्पेशल ये रुचि रखते हैं, हर एक चीज का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इन्होंने करा है क्लास के साथ, चाहे गोल्ड हुआ, चाहे फॉरेक्स हुआ, चाहे डेरिवेटिव हुआ, कॉल पुट हुआ, हर एक चीज को बहुत बेटर वे में इन्होंने प्रैक्टिकली समझा है, जैसे जैसे मैंने क्लास में बताया। तो सजल जी, आपका कामयाबी का राज क्या है? SFM में इतने अच्छे मार्क्स क्यों आए? कैसा लग रहा है आपको? अब आगे का रास्ता भी आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा होगा मेरा मानना है। आप क्योंकि ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, अब आप एज ए प्रोफेशनल आप जॉब कर रहे हैं एक बहुत बड़ी कंपनी में, तो कैसा लग रहा है? क्लास में जो पढ़ाया हुआ काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस बताइए और खास करके अपने जूनियर्स, अपने फ्रेंड्स को गाइड कीजिए कि SFM में वो मार्क्स इतना अच्छा आपने जो सिक्योर किया वो भी कैसे सिक्योर कर सके, प्लीज। मैंने अपना SFM की क्लासेस मैंने आदित्य सर से ली हुई थी। आदित्य सर ने फर्स्ट डे ही फोकस किया हुआ था कि आप टोटली कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, क्योंकि ऐसे है कि जो एग्जाम रहते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं और टफ आते हैं, आपको सिंगल क्वेश्चन SFM में नहीं मिलेंगे। तो इफ यू गुड इन कॉन्सेप्ट देन यू अटेम्प्ट वेरी गुड पेपर और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो सर की क्लासेस की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी हम सर के यहाँ क्लास लेते हैं तो उनके नोट्स बहुत प्रॉपर तरीके से बनते हैं, हर चीज के एक एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट रहेंगे, कॉन्सेप्ट 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, और ईच कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मिले जाएंगे। तो सर की क्लास यदि आप डेली वाइज रिवाइज करते जाते हैं, जितना सर ने पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज करिए, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी जरूर रखनी पड़ेगी SFM में। जैसे कि सर ने आज एक चैप्टर पढ़ाया आपको, सपोज मान लीजिए आपको 10 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए, तो आप 10 कॉन्सेप्ट को किस तरीके से रिवाइज करते हैं, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं। और मैं हमेशा आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जब भी SFM का क्लास लें सर से, तो आप क्यूमुलेटिव रिवाइज जरूर करिए। क्यूमुलेटिव में क्या रहता है, सर ने जैसे आज 10 कॉन्सेप्ट पढ़ाए तो आप उसको रिवाइज करिए, फिर कल जो पढ़ाए उसको रिवाइज करिए, लेकिन जो पिछले की 10 कॉन्सेप्ट है और उसको भी रिवाइज करते जाइए। मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो जो सर ने मुझे पढ़ाए थे तो मैंने नोट्स अपने बहुत प्रॉपर तरीके से बनाए थे। सर ने बोला था ब्लैक पेन का यूज करो, रेड पेन का यूज करो, ब्लू पेन का यूज करो, कहाँ क्या टेक करना है, किस तरीके से आपको मार्किंग करना है। और रिवीजन पे मैंने ज्यादा फोकस किया, एटलीस्ट मैंने अपना रिवीजन 6 to 7 times किया होगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से किया। फर्स्ट टाइम मैंने सारे क्वेश्चन किए, सेकेंड टाइम फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को कम करता गया और कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस किया। जब मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा था तो उससे पहले मैंने 2-3 मॉक एग्जाम भी लिखे, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर ने जो पढ़ाया है उसमें मैं एकदम परफेक्ट हो गया हूँ। और जब मैं एग्जाम देने गया तो 3 घंटे मालूम ही, चलो मुझे पता था कि मेरे को 75-80 मार्क्स आएंगे, लेकिन थोड़ा 71 मार्क्स आया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, लेकिन ये सब सर की वजह से हुआ है कि मैं अच्छा स्कोर कर सका और मैंने अपना ग्रुप 1 क्लियर किया। थैंक यू सो मच। और आज आप एक ऐसे प्रोफेशनल, एक बहुत बड़ी कंपनी को असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर, एक बहुत बड़ा पदवी है, मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है काम करने में? काम करने में सर बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली इसके पहले मैं EY GDS में भी वर्क किया हूँ बैंगलोर में सर, एज अ ऑडिट कंसल्टेंट किया था अंडर प्राइवेट इक्विटी। तो करीबन मेरा इंटरव्यू सर 45 3 राउंड हुए, फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकेंड राउंड क्लियर हुआ, थर्ड राउंड में करीबन मेरे से सर 45 मिनट क्वेश्चन पूछे गए, और 45 मिनट जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपकी सारी क्लास का सार था। जो कंक्लूजन था ना 60 डेज का, वो खाली 45 मिनट से मेरे से पूछा गया।
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्राइवेट इक्विटी क्या है, आप ऑडिट को किस तरीके से में लाओगे, क्योंकि मेरा बेसिकली वहां पे प्रोफाइल किया था कि मेरे को एक प्राइवेट इक्विटी फर्म की ऑडिट करना होगा, इसलिए मेरे से जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे तो बहुत सारे पूछे गए, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था कि मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। सर ने मुझे 60 डेज पढ़ाया है इतना अच्छे से, तो 45 मिनट्स में मैं तो शायद बहुत अच्छा इंटरव्यू दे पाऊँ, और मैं जैसे ही 45 मिनट मेरे कम्प्लीट हुए मैं बाहर आया, मेरे को वहां से कोऑर्डिनेटर आके बोलता है कि यू आर सिलेक्टेड फॉर बोथ दी राउंड। तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं एक मिड साइज फर्म से करके आ रहा हूँ ऑडिट, और मैं ईवाई में सिलेक्ट हुआ हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत खुशी की बात होती जब क्लास में पढ़ाया हुआ, एग्जाम में भी नहीं, एग्जाम में तो होता ही होता है, इंटरव्यू में भी आपको हेल्प कर रहा है, ये बहुत गर्व की बात है। तो हमेशा क्लास में कहता हूँ कि आपको ये क्लास जिंदगी भर काम आएगा, और आपने उस चीज को सार्थक कर दिया। सो मच सजल, और मैंने इंटरव्यू कि आज आपने इतना अच्छा मेरे को फील करवा रहे हैं, और मैं दूसरे स्टूडेंट भी जो सुन रहे हैं, सजल जी प्रैक्टिकल उदाहरण है किस तरह से अपनी क्लास को यूज करते हुए आप सीए बन सकते हैं, और आप एक वैसी मुकाम हासिल कर सकते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी के असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर आप बन सकते हैं, जिसमें आपको अपनी क्लास का जो यूटिलाइजेशन है वो हमेशा काम आएगा। और सर मैंने आपके एग्जांपल ही लिए, उनने पूछा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो आप जैसे एग्जांपल देते थे क्लास में, अपन को ज्यादा बड़े एग्जांपल नहीं लेना है, आपको हमेशा 1 किलो आलू से शुरुआत करनी है कि आज मेरी 1 किलो आलू की कीमत क्या होगी। तो मैं इंटरव्यू में उस तरीके से जवाब दिया, तो क्लास के तो एग्जांपल बोलते भी आपने कि पूरा इंटरव्यू में आंसर दिया उसको। हाँ बिल्कुल 100% सर, और आपने बहुत सारी स्ट्रेटेजी बताई हुई थी जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी रहती है बहुत सारी, तो मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया कि आपको 2 कॉल लेना है 1 फुट लेना है, तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए उस चीज से, तो बोले हाँ आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है इस चीज में, तो मेरे को लग रहा था कि मैं 100% सिलेक्ट होने वाला हूँ, और 10 मिनट में मेरे को उनका खुद आ गया कि वो सिलेक्टेड फॉर बोथ दी राउंड, वेल डन कांग्रेचुलेशंस। वेल डन, आज तो एकदम पार्टी होगी। चलिए, थैंक यू सजल, थैंक यू सो बिल्कुल मच। सर, यस सर, यस सर।